नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या ज्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो लोग किसी को पसंद करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं या जो लोग शादीशुदा हैं और उनके बीच में किसी कारणवश वो लोग अलग हो गए या एक दूसरे से बिल्कुल अंदर से नफरत करने लग गए, या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार रखें और वो लोग आपसे नाराज हो गए। आपके नौकरी में भी ऐसा हो सकता है, बॉस है आपका या आपके कोई सहकर्मी है जो आपके विरोध में चले गए, तो आप इस क्रिया को करेंगे उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों वो व्यक्ति आपसे व्यवहार भी करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आप जो चाहेंगे वो आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो सामने वाला सब कुछ हटा के आपको अंदर से पसंद करेगा और आपसे शादी करेगा। अगर आप पति पत्नी हैं और अलग हो गए किसी कारणवश, तो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लग जाए। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों अगर ये क्रिया आप रविवार की रात को करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने मिलेगा। रविवार नहीं तो आप इसको किसी भी दिन कर सकते, रिजल्ट तो आएगा ही लेकिन हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो, लेकिन रविवार की रात बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अगर आप रविवार को नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी दिन कर लें, रिजल्ट जरूर आएगा। इसको महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। दोस्तों रात को सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं उस समय आपको ये क्रिया करनी है। आप सब जानते हैं हल्दी, हल्दी आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत पावरफुल है। हल्दी पूजा पाठ में देवी देवताओं को भी चढ़ती है और उससे देवी देवता खुश हो जाते हैं। हल्दी आपकी शादी में वर और कन्या के पूरे शरीर पे हल्दी का उबटन किया जाता है, जिससे पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है और एक दूसरे के प्रति उनके अंदर प्रेम का संचार होता है। तो ये हल्दी बहुत पावरफुल है। आपको कोई मांगलिक कार्य होता है और कुछ भी लिखा जाता है उस पर सबसे पहले खास करके शादी की जो कंकोत्रियां कार्ड होते हैं उनके ऊपर हल्दी छांटी जाती है। तो आप सभी जानते हैं हल्दी का महत्व। जब आप सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर आप अपने बेडरूम में आप अपने बेड पे सोने जाते हैं उस समय आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है, अपनी चुटकी में या अपनी अंगली हल्दी पाउडर में थोड़ा वो कर ले। ऐसे नहीं हल्दी चिपकती है तो थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लें और अपनी अंगली में लगा लें और आप सीधे बेड पे लेट जाए। जिसको भी आप पसंद करते हैं वो हल्दी अंगली में लगा के और अपनी नाभि पे अंगली रख लें, अंगली फिर हटानी नहीं है, और उस व्यक्ति का नाम आपको 11 बार बोलना है। कितनी बार? 11 बार।
हल्दी अंगली में लगा के अपनी नाभि पे लगा लें। नाभि में दोस्तों इतनी आपके पूरे शरीर को चलाने का सबसे ज्यादा पावर नाभि में है। तो आप नाभि पे हल्दी भी पावरफुल, नाभि भी शरीर का पावरफुल अंग लगा के 11 बार उस व्यक्ति का नाम आपको बोलना है उच्चारण के साथ। बस उसके बाद आपको सो जाना है। आप देखेंगे वो व्यक्ति जिसका भी नाम आपने बोल दिया है, वो व्यक्ति पूरी दुनिया छोड़ के आपके पास आ जाएगा। अगर शादी करनी है तो शादी करेगा, अगर पति पत्नी अलग हो गए तो वो एक हो जाएंगे, अगर कोई और है तो वो हमेशा आपकी हर बात मानेगा और जीवन भर आपके साथ वो गुलामों जैसा बिहेव करे। तो करते रहिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है। इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।